Hello everyone. Today we will discuss on the topic of turret and capstan lathe and automates. अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की. कैप्स्टन और टरेट लेथ एक प्रोडक्शन लेथ है जो यूज होता है फॉर प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्ट्स इन मिनिमम टाइम. ये कंपैरिजन तो हमारे कन्वेंशनल लेथ ये मिनिमम टाइम टेक करता है कोई भी मेटल कटिंग ऑपरेशन के लिए. ये जनरली हमारा एक सेमी ऑटोमेटिक लेथ होता है. जैसे हमारा जो कन्वेंशनल लेथ होता है उसी तरह से ये भी होता है, लेकिन यहाँ पे खाली चेंज ये रहता है कि ये टेल स्टॉक यहाँ पे नहीं रहता है. जो वर्कपीस होता है उसे सिर्फ हेड स्टॉक ही अलोन ही सपोर्ट करता है. दे कैरी मच लार्जर नंबर एंड वेराइटी ऑफ टूल्स इन इंजिन लेथ. हमारा जो यहाँ पे जो टरेट होता है, यहाँ पे एक टरेट का मैकेनिज्म होता है. वो जो टरेट होता है वो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कटिंग टूल्स होते हैं उसको होल्ड करता है, जिसके वजह से हम नंबर ऑफ कटिंग ऑपरेशन एक सीक्वेंस में ऑब्टेन कर सकते हैं. मोर देन वन कटिंग टूल में सेट टू ऑपरेट साइमल्टेनियसली. हम एक से ज्यादा टूल का जो सेट है उसको हम पर्टिकुलर एक टाइम के लिए साइमल्टेनियस ऑपरेशन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं. ये हमारा जो था एक टरेट लेथ और कैप्स्टन लेथ का एक इंट्रोडक्शन पार्ट था. अब हम बात करते हैं एसेंशियल फीचर्स ऑफ कैप्स्टन और टरेट लेथ की. यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला है इसमें स्पिंडल, सेकंड है हेस्टॉक, थर्ड कैरेज, फोर्थ रियर टूल पोस्ट, फिफ्थ क्रॉस स्लाइड, स्लाइड और रैम, हेक्सागोनल टरेट, स्क्वायर टूल पोस्ट ऑन द क्रॉस स्लाइड. ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये हमारे कैप्स्टन और टरेट लेथ के एक बेसिक कंपोनेंट्स हैं. बस आप देख ही सकते हैं यहाँ पे चेंजेस जो है वो इस कंपोनेंट, यहाँ पे जो टेल स्टॉक है वो आपको कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, उसके जगह आपको ये एक हेक्सागोनल टरेट देखने को मिल रहा है. हेक्सागोनल टरेट जो होता है वो एक मल्टी पॉइंट टूल होल्डिंग, मल्टी टूल होल्डिंग डिवाइसेस रहता है जिसमें अलग अलग टाइप के जो टूल्स होते हैं उसको हम माउंट करके सीक्वेंस वाइज कोई भी कटिंग ऑपरेशंस होता है उसको परफॉर्म कर सकते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा जो है ये कैप्सन लेथ है. ये कैप्सन लेथ का जो कंस्ट्रक्शन है थोड़ा ये रोबस्ट कंस्ट्रक्शन है कंपैरिजन टू हमारा जो कन्वेंशनल लेथ होता है उसके कंपैरिजन में. और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी टेल स्टॉक है उसको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया है. टेल स्टॉक की जगह आपको कुछ इस तरह का मैकेनिज्म देखने को मिल रहा है जिसको हम बोलते हैं टरेट. यहाँ पे जो टरेट है उसको एक ऑक्सिलरी स्लाइड के ऊपर माउंट किया गया है, इसी वजह से ये जो है टरेट लेथ और कैप्चर लेथ का डिफरेंस क्रिएट करता है. ये ऑक्सिलरी स्लाइड की वजह से क्या होता है कि ये जो टरेट का जो लेंथ है ये मैक्सिमम ट्रेवल लेंथ कहलाता है, जिसके वजह से ये जो आप इसमें हैवी ड्यूटी जो जॉब्स होते हैं उसको माउंट करके उसके ऊपर मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. अब आप देख सकते हैं ये हमारा टरेट लेथ है. टरेट लेथ में सिर्फ आपको डिफरेंस ये दिख रहा होगा, टरेट तो यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी स्लाइड जैसा कुछ मैकेनिज्म नहीं है. यहाँ पे डायरेक्ट ये जो टरेट है उसको हम स्लाइड कर सकते हैं. और सिर्फ ये जो हमारा डिफरेंस है वो मेजर डिफरेंस होता है कैप्चर में टरेट लेथ के बीच में. व्हाट इज कैप्चर एंड टरेट लेथ? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा कैप्चर और टरेट लेथ होता है वो एक सेमी ऑटोमेटिक लेथ होता है. कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन दोनों कैप्चर और टरेट लेथ के सेम रहते हैं, सिर्फ उनका कुछ कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस रहता है. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक स्लाइड है जो हमारा जो टूल पोस्ट के साइड जो आपका जो टरेट माउंट हुआ है उसको यहाँ पे एक ऑक्सिलरी स्लाइड प्रोवाइड किया जाता है जिसके ऊपर आपका टरेट रहता है. ये जो टरेट है ये टरेट आपका मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ से ये ट्रेवल कर सकता है और जो भी मैक्सिमम साइज के जो वर्कपीस होते हैं उनको ये होल्ड करके उसके ऊपर मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है.
तो यही आपका जो ये इसे हम इसी बेसिस पे कैप्सन लेथ इसको कहते हैं। अब आप यहां पे देख सकते हैं ये टर्रेट लेथ है, सेम कंस्ट्रक्शनल फीचर से, सिर्फ आपको डिफरेंस यहां पे ही दिख रहा होगा। यहां पे आप देख रहे हैं कि ये जो यहां पे कुछ इस तरह का कोई ऑक्सिलरी स्लाइड जैसा कुछ मैकेनिज्म है नहीं, डायरेक्टली आपका जो सैडल है वो उसके ऊपर टरेट को माउंट किया गया है। तो ये जो कंस्ट्रक्शनल फीचर्स है इसी बेसिस पे इसको टरेट लेथ बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका डिफरेंसेस बिटवीन कैप्सन एंड टरेट लेथ। मेजर डिफरेंस तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि उसका कंस्ट्रक्शनल फीचर्स के ऊपर उसको डिफ्रेंशिएट किया गया है, लेकिन कुछ और भी डिफरेंसेस है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। पहला है कैप्सन एंड टरेट, सॉरी कैप्सन लेथ आर रिलेटिवली मोर रोबस्ट एंड हैवी ड्यूटी मशीन कंपेरिजन टू टरेट। उसके कंस्ट्रक्शनल फीचर्स, उनके जो फोटोग्राफ्स अभी हमने देखी, तो उस बेसिस पे हमको तो दिख ही गया था कि वो उनका जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही रोबस्ट कंस्ट्रक्शन है और वो एक हैवी ड्यूटी मशीन है। नेक्स्ट है कैप्सन लेथ जनरली डील विथ अ शॉर्ट और लॉन्ग रॉड टाइप ब्लैंक्स हेल्ड इन द कॉलेट। कॉलेट जनरली जो आपकी लीड की पेंसिल होती है उसमें जिस तरह से वो लीड को होल्ड करती है वो जो चक होता है उस टाइप का कॉलेट होता है। वेर एज टरेट लेथ आर मोस्टली वर्क ऑन चकिंग टाइप जॉब्स हेल्ड इन द क्विक एक्टिंग चक्स। जो चक होता है वो आपका जैसे कन्वेंशनल लेथ में आपने चक देखा था जो उसमें की लगा के हम कोई भी वर्कपीस को होल्ड कर सकते हैं, उसी हिसाब से जो भी चक है, जो भी वर्क होल्डिंग डिवाइसेस है वो आपके टरेट लेथ में यूज होता है। नेक्स्ट है इन कैप्सन लेथ द टरेट ट्रेवल्स विथ अ लिमिटेड स्ट्रोक लेंथ विद इन अ सैडल टाइप गाइड ब्लॉक कॉल्ड ऑक्सिलरी बेड विच इज क्लैम्ड ऑन द मेन बेड। वेर एज इन टरेट लेथ द हैवी टरेट इज बींग माउंटेड ऑन द सैडल विच इज डायरेक्टली स्लाइड लार्जर स्ट्रोक लेंथ ऑन द मेन बेड। हमने पहले के जो डायग्राम देखे थे उस बेसिस पे हमने ये देखा कि जो भी हमारा जो कैप्सन लेद है उसमें एक ऑक्सिलरी बेड जो है वो प्रोवाइड किया जाता है जिसके द्वारा जो भी हमारा टर्रेट है वो मैक्सिमम लेंथ जो होता है वो ट्रेवल होता है, लार्जर स्ट्रोक लेंथ जो है मेन बेड के कंपैरिजन में वो ट्रेवल करता है। सिमिलरली टर्रेट लेद जो है उसमें इस तरह का कुछ मैकेनिज्म देखने को नहीं मिलता है, वो डायरेक्टली आपके जो भी सैडल है उसके ऊपर डायरेक्टली माउंट किया जाता है। वट इज टरेट? टरेट इज अ मल्टी टूल होल्डिंग डिवाइस यूज टू होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कटिंग टूल विच टेक पार्ट इन कटिंग ऑपरेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अलग अलग टूल है जिनको अलग अलग फेसेस के ऊपर माउंट किया गया है। सिक्वेंस वाइज जो भी हमारा जो ऑपरेशन होता है इस टूल के मदद से हम ऑप्टेन कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये लेट टरेट ऑपरेशन, ये आपका जो टरेट है और इसके पास अभी ये फर्स्ट पॉइंट है, सिंगल पॉइंट का सॉरी ड्रिल बिट है यहाँ पे ड्रिल, और ये आपका वर्क पीस है। जो चक है एक पर्टिकुलर स्पीड पे रोटेट होना स्टार्ट हो गया है और जो ड्रिल बिट है उसको फीड किया जा रहा है धीरे धीरे वर्क पीस में, और जहाँ से चिप रिमूव होना स्टार्ट हो गया है ये एक फर्स्ट ऑपरेशन है इसमें कैरीड आउट किया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक सिक्वेंस वाइज मशीनिंग ऑपरेशन की जाती है, जैसे अब यहाँ पे ड्रिल हो रहा है, इसके बाद रीमिंग होगा, फिर टेपिंग होगा, फिर बोरिंग, जिस तरह से जैसी हमें रिक्वायरमेंट है तो एक सीक्वेंस वाइज हम सिरो जो हमारा जो टूल है उसको सिलेक्ट करके हम सीक्वेंस वाइज ऑपरेशन जो है यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। व्हाट इज ऑटोमेट्स? जो भी हमारा ऑटोमेट्स है वो हमारी एक लेटेस्ट जनरेशन की जो मशीनें हैं कंपैरिजन टू हमारी जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन थी जैसे कि कैप्सन एंड टरेट लेथ, उससे हमारी जो अभी की जो जनरेशन है उस टाइप की जो मशीन है जैसे कि सीएनसी है, फिर
फिर एनसी है, ये जो टाइप की जो मशीन है उसे हम ऑटोमेट्स के कैटेगरी में देखते हैं। ऑटोमेशन इज एन इनकॉर्पोरेटेड इन मशीन टूल और मशीनिंग सिस्टम एज वेल हायर प्रोडक्टिविटी विद कंसिस्टेंट क्वालिटी एमिंग बीटिंग द लार्जर रिक्वायरमेंट एंड ओवरऑल इकोनॉमी। मतलब हमारी जो हायर प्रोडक्टिविटी के लिए और हमारी क्वालिटी के लिए हमारी जो ये ऑटोमेटिक मशीन्स हैं इनको यूज किया जाता है। अब इसमें हमारे जो है दो टाइप के ऑटोमेट्स होते हैं। पहला है सिंगल स्पिंडल ऑटोमेट्स और सेकंड है आपका मल्टी स्पिंडल ऑटोमेट्स। ये जो दो ऑटोमेट्स हैं इनको हमारे जो ऑटोमेट्स के कैटेगरी में डिफरेंशिएट किया गया है। अब हम डिस्कस करते हैं सिंगल स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ। द जनरल पर्पस सिंगल्स में आर वाइडली यूज फॉर क्वालिटी एंड मास प्रोडक्शन हाईली फास्टनर्स बोल्ट स्क्रू और स्टड्स। यानी आपका जब भी जो मास प्रोडक्शन हो रहा हो इस टाइप के जो आपका फास्टनर्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो तो हम इसमें सिंगल स्पिंडल ऑटोमेट्स को यूज करते हैं। इसमें सीक्वेंस वाइज हर टाइप का जो ऑपरेशन हो रहा है वो एक ही बार में एक ही एक टाइम में कंप्लीट हो जाता है, इसलिए इसे हम सिंगल स्पिंडल ऑटोमेट्स कहते हैं। प्रिफरेबली एसेंशियल यूज फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन लार्ज लॉट ऑफ प्रोडक्शन एंड मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन और लार्ज लॉट प्रोडक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रन फुल्ली ऑटोमेटिकली, ये पूरा जो भी मशीन्स है वो पूरी ऑटोमेटिक मशीन्स होती है। बार फीडिंग टूल टूल इंडेक्सिंग कंटिन्यूसली ओवर द रिपीटेटिंग सेम मशीनिंग साइकिल। मतलब यहाँ पे एक सीक्वेंस साइकिल होती है और उसी साइकिल से मशीनिंग जो है वो परफॉर्म किया जाता है, इसीलिए हम इसे सिंगल स्पिंडल ऑटोमेटिक मशीन। मेन इसका जो पर्पस होता है वो होता है एक मास प्रोडक्शन को, ओके, मास प्रोडक्शन और एक लार्ज लॉट प्रोडक्शन, ये इनकी जो है ये दोनों इनके एक की रोल होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिंगल स्पिंडल ऑटोमेट्स है। यहाँ पे ये जो टूल है, यहाँ जो स्पिंडल है वो सिर्फ एक ही होता है और जो नंबर ऑफ टूल्स होते हैं इस तरह से माउंट किए जाते हैं और यहाँ पे एक ही टाइम में यहाँ पे मशीनिंग ऑपरेशन स्टार्ट होता है। ये जो है ये फीडिंग मैकेनिज्म है, यहाँ से आपका जो भी वर्कपीस होता है उसको फीड किया जाता है और यहाँ पे जो है वो टूल है और टूल से ये मशीनिंग ऑपरेशन स्टार्ट किया जाता है। अब हम बात करते हैं सिंगल स्पिंडल ऑटोमेट्स। सिंगल स्पिंडल ऑटोमेट्स में स्विश टाइप ऑटोमेट्स जो है उनका नाम दिया गया, स्विश टाइप ऑटोमेट्स। यहाँ पे आपका ये हैशटॉक है और ये आपका जो है वर्कपीस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ टूल्स है इस तरह से ये नंबर ऑफ टूल्स है। ये एक ही वर्कपीस को अलग अलग डायरेक्शन से मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ये हमारा जो मशीन है इसे हम इसीलिए स्विच टाइप ऑटोमेटिक मशीन कहते हैं, जिसे हम सिंगल स्पिंडल ऑटोमेट्स के कैटेगरी में नाम दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक बार को फीड किया जा रहा है, यहाँ पे ड्रिलिंग हो रहा है, यहाँ पे साथ में इसका टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और जो दो यहाँ पे कटिंग टूल है एक साथ इसको कटिंग भी किया जा रहा है। यानी सीक्वेंस वाइज एक ही टाइम में मल्टी स्टेज ऑपरेशन जो है मल्टी ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किया जा रहा है यहाँ पे। ये हमारा जो मशीन है इसे हम बोलते हैं स्विच टाइप ऑटोमेट्स। यहाँ अब हम बात करते हैं मल्टी स्पिंडल ऑटोमेट्स की। मल्टी स्पिंडल ऑटोमेट्स जो है वो हमारे कंपैरिजन टू सिंगल स्पिंडल ऑटोमेट्स उससे एडवांस मशीन होती है। मल्टी स्पिंडल ऑटोमेट्स जो होती हैं वो पैरेलल एक्शंस और प्रोग्रेसिवली वर्किंग टाइम, मतलब यहाँ से जो स्टेज वाइज एक स्टेज कंप्लीट होके दूसरे ऑपरेशन स्टेज पे आते, दूसरे स्टेज से तीसरे स्टेज, इस तरह से सिक्वेंस वाइज जो है ये ऑपरेशन परफॉर्म होता रहता है। ये भी हमारी जो है मास प्रोडक्शंस के लिए यूज़ होती है। बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है बॉल बेयरिंग्स जो है उनकी जो आउटर रेसेस और इनर रेसेस उनको बनाने के लिए ये जो मशीन्स है प्रिफरेबली यूज़ की जाती है। ये हमारा मल्टी स्पिंडल ऑटोमेट्स है। अलग अलग टाइप के यहाँ पे जो स्पिंडल्स होते हैं यहाँ पे वर्कपीस को फीड किया जाता है और ये ऑटोमेटिक फीड मैकेनिज्म होता है। ये हमारा कटिंग टूल है, ये हर स्टेज अलग अलग स्टेज पे अलग अलग टाइप के कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो कर रहा है। ये अभी फेसिंग ऑपरेशन कर रहा है, इसके बाद फेसिंग करेगा, सॉरी इसके बाद टर्निंग ऑपरेशन करेगा, इस तरह से ये अलग अलग जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर रहा है।
आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसी सिमिलरली अगर हम देखें तो ये मल्टी स्टेज ऑपरेशन यहाँ पे कैरीड आउट किए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।